Without wasting your precious time, let's start. Staphylococcus bacteria. Staphylococcus bacteria. Yes, Staphylococcus bacteria, as the name suggests, Staphylo means क्या होता है? Staphylo ये एक जीनस है. क्या है बेटा? क्या है? जीनस. Staphylococcus एक क्या है? जीनस. और so many species comes under in Staphylococcus. Just like Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis. Sir, what is that? Staphylococcus एक जीनस है, मतलब एक ब्रांच, जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं. इसके अंदर बहुत सारे आएंगे. जैसे डॉक्टर एक जीनस है, फिर उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डॉक्टर आएंगे. आई का अलग आ जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आ जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट आ जाएगा, एंड ऑल. यस और नॉट गेटिंग? और फिर रेडियोलॉजिस्ट में भी बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट अपने आप के. यस. सो माई डियर फ्रेंड, स्टेफाइलोकोकस नाम तो समझ में आ रहा है. कोकस मीन्स राउंड स्फेरिकल. कोकस मीन्स राउंड स्फेरिकल. स्टेफाइलो मीन्स होता है ग्रेप्स लाइक क्लस्टर. ग्रेप्स लाइक क्लस्टर. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका था. यस, मतलब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ग्रेप्स लाइक क्लस्टर. ओके, दे आर राउंड स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, इसके नाम से ही इसका इंट्रोडक्शन बनाएंगे हम लोग. तो पहला पॉइंट है, इट इज राउंड स्फेरिकल. राउंड स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया. ओके, डोंट राइट. यस, डोंट राइट. एक भी पॉइंट नहीं लिखेंगे. यस, मेरे पास मेरा हैंडमेडेड है, उस नोट दूंगा मैं आपको. ओके, मत लिखो. राउंड स्फेरिकल बैक्टीरिया, साइज इज रेंजिंग फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर. नहीं आया समझ में? इसका साइज कितना है बेटा? 1 माइक्रोन. एनी डाउट? बढ़े आगे. गुड. यस, इट इज एरोबिक बैक्टीरिया. क्या बेटा ये? एरोबिक बैक्टीरिया एंड फैकल्टेटिव एनारोब. ये जानते हैं क्या? फैकल्टेटिव, यही पे समझ लीजिए. कहीं भी यदि फैकल्टेटिव मींस आता है, यस, वैसे तो ये एरोबिक है, समय आने पर एनारोबिक भी हो सकते हैं. वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, पर नहीं मिला कुछ तो नॉन वेजिटेरियन भी हूँ. नहीं आया समझ में? तो वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन, और नहीं है वेज तो नॉन वेजिटेरियन भी चलेगा. बट यदि दोनों है तो पहले प्रेफर क्या करेगा ये? गेटिंग और नॉट? ऐसे फैकल्टेटिव मतलब चांस, जो फिर नहीं है तो फिर चलो इसमें काम चला लें. एक होता ऑब्लिगेट. क्या होता है बेटा? ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट कहीं लिखा हुआ है, मतलब ये सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया ही होगा. ऑब्लिगेट एनारोब लिखा है, मतलब ये सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया ही है. जैसे क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी एक ऑब्लिगेट एनारोब बैक्टीरिया है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही सरवाइव करेगा. नॉट गेटिंग? एक ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया का नाम क्या है? निमोनिया. निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी अपने पढ़ा था, जब तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन करा रहा था, वो ऑब्लिगेट एरोब है. गेटिंग और नॉट? यस, बट दिस बैक्टीरिया इज एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक. गेटिंग और नॉट? यस. चलिए, इंट्रोडक्शन इज ओवर यार. अच्छा, एक और पॉइंट. सर, व्हाइट इज प्रेजेंट इन द ग्रेप्स लाइक क्लस्टर. ये गुच्छे में क्यों होते हैं? ये गुच्छे में क्यों होते हैं? तो यहाँ पे समझिए, सपोज ये एक बैक्टीरिया है बेटा. सपोज ये एक बैक्टीरिया है. यस, ये बैक्टीरिया थ्री डायमेंशनल में एक साथ, ओके, एक साथ डिवाइड करता है. ये समझ में नहीं आया? ये एक बैक्टीरिया, अभी 2D डायग्राम ही इसमें पॉसिबल है, मैं हूँ 3D समझ लेना. यस, ठीक है, पीछे गर्थ भी है. यस,
ठीक है, एक बैक्टीरिया सामने डिवाइड बन गया, एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर पीछे ऐड हो गया, एक साइड में हो गया, एक साइड में हो गया, चारों तरफ हो गए। फिर ये चारों तरफ डिवाइड होंगे, ये चार तरफ डिवाइड होगा, ये चार तरफ और ये चार तरफ। जब सभी चारों तरफ डिवाइड होंगे तो क्या होगा, बीच सेंटर में समझ लो फादर हो गए, चारों तरफ बच्चे हो गए, गेटिंग ऑन नॉट, गुच्छे में झुंड में दिखेंगे, क्लस्टर लाइक, गेटिंग ऑन नॉट। इसको कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रेप्टोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल स्ट्रिप में क्यों होता है, बिकॉज उसमें जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ एक ही तरफ डिवाइड होता है, इसलिए स्ट्रिप चेन में दिखेगा, गेटिंग ऑन नॉट। जबकि ये बैक्टीरिया जब चारों तरफ डिवाइड होगा तो ऐसा दिखेगा, फिर ये सब चारों तरफ डिवाइड होंगे, गेटिंग ऑन नॉट। स्टेफिलोकोकस क्लस्टर में इसलिए होता है, ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछ सकते हैं कि ये क्लस्टर में क्यों होते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, यस, ये पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया बेटा, यदि बॉडी में कहीं पस बन रहा है तो बिना कोई टेस्ट किए आप बोल सकते हो कि स्टेफिलोकोकस है, नॉट गेटिंग, मतलब इट इज अ पायोजेनिक बैक्टीरिया। कितने लोगों को समझ में आया, पस है तो ये होगा पायोजेनिक, यू नो ना टर्म्स, पायो, पायो मीन्स पस, जेनिक मीन्स प्रोड्यूस करने वाला, मतलब इस पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। एनी डाउट, यस, इंट्रोडक्शन इज ओवर है, यस। अब नाउ आर हेडिंग इज मॉर्फोलॉजी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मॉर्फोलॉजी, यस, बैक्टीरिया क्या है, कैसा दिखता है। सो इट्स अ राउंड स्फेरिकल इन शेप, साइज इज 1 micron, यस, नॉन स्पोरिंग, नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। कितने लोगों को समझ में आया, ना तो ये स्पोर बनाता है ना तो ये खुद मूव करता है, नॉट गेटिंग, मतलब हमारे थ्रू या किसी भी मीडिएटर के थ्रू ही ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा, नॉट गेटिंग, अदरवाइज जहाँ पे पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, गेटिंग और नॉट, समझ पा रहे हैं, ठीक, इसलिए बोले नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, राउंड स्फेरिकल इन शेप, 1 micron इन साइज, ओके, यू नो एरोबिक फैकल्टेटिव एनारोबिक पायोजेनिक बैक्टीरिया आप लिख सकते हैं, दिखता है ऐसा। और सुनिए इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या, जब ये बैक्टीरिया को आप कल्चर करेंगे तो ये किस में दिखेगा, क्लस्टर में, किस में दिखेगा बेटा, क्लस्टर, अब यहाँ पर अपन ग्रुप लिख देते हैं, ग्रुप में दिखेगा, आया समझ में। और वो जो कॉलोनी से वो कैसी दिखेगी, कॉन्वेक्स इन शेप, कॉन्वेक्स, यस, गोल 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 अपन को दिखेंगे, यस। अच्छा, जो कॉलोनी होगी, जो ग्रुप होगा बैक्टीरिया का, सपोज आपने ये डिश लिया, इस पर कल्चर किया, तो पता है कितना साइज लेगा, एक कॉलोनी का साइज 2 to 4 mm होगा, बोलो नहीं आया समझ में, मतलब ये ग्रुप हो गया बैक्टीरिया का, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। अब मैं राउंड जल्दी जल्दी बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है, गेटिंग ऑन नॉट, समझ में आया, मतलब एक कॉलोनी का साइज 2 to 4 mm, एक बैक्टीरिया का साइज 1 micron राउंड होंगे, गेटिंग ऑन नॉट। कुछ पूछना चाहेंगे, तो पहली हेडिंग हमने क्या पढ़ी, पहली हेडिंग थी इंट्रोडक्शन, क्या थी बेटा, इंट्रो। दूसरी हेडिंग क्या है बेटा, मॉर्फोलॉजी, क्या समझ में आ रहा है, जितने भी बैक्टीरिया मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा हेडिंग सभी की सेम रहेगी, कुछ में एक आध ऐड होगी अदरवाइज सेम, और हेडिंग पे ही आपको मार्क मिलेंगे, एक भी हेडिंग आपने ऊपर नीचे करी नहीं लिखी मार्क कटेंगे। मॉर्फोलॉजी के बाद अब आता है कल्चर, क्या आएगा बेटा, कल्चर, गेटिंग ऑन नॉट। तो अब मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ कल्चर, कल्चर क्या है, सुन लें, कल्चर के लिए क्या चाहिए, ये कौन से मीडिया में कल्चर होगा, टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन। तो कल्चर में ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, बोलो नहीं आया समझ में,
ठीक है, इसके लिए जो टेम्परेचर है बेटा, जो टेम्परेचर है वो 10 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 10 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यू विक्स रिकमेंड 22 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर है? वो रूम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने लोगों को समझ में आया? यस। पीएच, पीएच कितना है? 7.4 टू 7.6, मतलब ब्लड को रिजेंबल कर रहा है। इसका पीएच कितना होना चाहिए? यदि आप स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया को कल्चर करना चाहते हैं तो वहाँ एरोबिक कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, कोई भी मीडिया लो आप, बट ये होना चाहिए। गेटिंग? और पीएच सबका इसके बीच में होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब सबसे बेस्ट ग्रोथ किस टेम्परेचर में होगी? नहीं समझ में आया? अभी ठंड का मौसम चल रहा है, अभी आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं ना, है ना, कर रहे हैं कि नहीं? बट सबसे बेस्ट मौसम आपके लिए कौन सा होगा जिसमें ना तो ठंड लगेगी ना गर्मी? गर्मी में भी आप लोग परेशान हो जाते हो, ठंड में भी परेशान हो जाते हो, देखो ये सब बांध बुन के बैठे हुए, यस आर नॉट? बरसात में भी परेशान हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। पर सबसे सही मौसम कब होता है? जब शाम के समय। नहीं, कई बार तुमने देखा होगा ना, धूप निकली है, ना गर्मी ना ठंडी, तो आप लोग सोचते हैं घूमने का मौसम। यस, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर यू, फॉर बैक्टीरिया रूम टेम्परेचर। गेटिंग और नॉट? ऑप्टिमम दैट टेम्परेचर इन विच द बैक्टीरियल ग्रोथ इज हाइएस्ट, विल बी हाइएस्ट, नोन एज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम ग्रोथ, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम इज द टर्म्स ओनली, नथिंग एल्स। एनी डाउट? बढ़े आगे। सो कल्चर की जो हमारी मेन बेसिक थिंग्स थी वो ये हो गई। अब इसमें कौन कौन से कल्चर मीडिया आएंगे? तो सबसे पहला आएगा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। क्या आएगा बेटा? कोई बताएगा आप में से न्यूट्रिएंट अगार कौन कौन से होंगे? आज टेस्ट था वैसे इसका, है ना? बोलो न्यूट्रिएंट अगार। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड, यस। न्यूट्रिएंट अगार में क्या था? मीट एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन और वाटर। यस, गुड। न्यूट्रिएंट अगार में जब आप बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे, मतलब आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इनोकुलेशन, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इनोकुलेशन, यू नो ना मीनिंग ऑफ इनोकुलेशन, गुड। आपको क्या दिखेगा? बैक्टीरिया क्या दिखेगा? बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होंगी, जो ग्रुप्स होंगे, वो कैसे दिखेंगे? राउंड। कैसे दिखेंगे? सर्कुलर। कॉलोनीज कैसी दिखेंगी? सर्कुलर। दूसरा कॉन्वेक्स, मतलब जो प्लेट है उस प्लेट से बैक्टीरिया एकदम फ्लैट नहीं होंगे, थोड़े ऊपर की तरफ आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? नहीं आ रहा? समझ रहे ना? जैसे पेड़ निकलता है ना, तो वो जमीन से थोड़ा ऊपर रहेगा कि नहीं, ऐसे बैक्टीरिया भी कॉन्वेक्स रहेंगे। गेटिंग? ओपेक रहेंगे। कैसे रहेंगे? यू नो ओपेक, ठीक है। तो कॉलोनीज कैसी दिख रही है आपको? सर्कुलर, कॉन्वेक्स, ओपेक। उनका जो साइज है वो 2 to 4 mm होगा। एनी डाउट? पूछना चाहते हैं? ओके, और ये कौन सा कलर देंगे? तो ये येलोइश कलर देंगे। कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे? येलो पिगमेंट, येलो पिगमेंट देंगे। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा अगार मीडिया लेते हैं। यदि आपने न्यूट्रिएंट में भी ब्लड ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया बेटा? तो उसका नाम हो जाएगा ब्लड अगार मीडिया। यस और नॉट? ठीक है, ब्लड अगार मीडिया में भी सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ सेम रहेगा। यस, मतलब क्या सब कुछ सेम रहेगा? जो मैंने अभी न्यूट्रिएंट में बताया, क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ बीटा हीमोलिसिस दिखेगी। कौन सी हीमोलिसिस? बीटा हीमोलिसिस और लाइसिस सीन।
मतलब यहाँ पे पेल येलो कलर दिखेगा, बोलो यस और नॉट, पेल येलो कलर पिगमेंट गेटिंग और नॉट। अरे आरबीसी टूटेगी, यू नो अपन पहले डिस्कस कर चुके, ठीक है। थर्ड आधार मीडिया कौन सा होगा बेटा? नहीं ग्लूकोज नहीं लेंगे, सेलेक्टिव मीडिया। कौन सा लेंगे? सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया के बारे में कुछ याद है क्या? स्पेसिफिक, हाँ जैसे एग्जांपल, हाँ उसमें क्या मिला रहे थे जैसे एग्जांपल? नहीं इनरिच मीडिया अपने आप में अलग था, इनरिचमेंट अलग था, उसके बाद सेलेक्टिव था, डिफरेंशियल था, इंडिकेटर था, हाँ फॉर साल्मोनेला टाइफी। एक होता है टेल्यूराइट अगार मीडिया, क्या होता है टेल्यूराइट साल्ट अगार मीडिया। बेटा इधर देखो ये नाम नया है, ठीक है। कल मैंने नहीं टेट्राथायोनेट ब्रॉथ बताया था साल्मोनेला टाइफी को कल्चर करने के लिए, ऐसी एक टेल्यूराइट एक मीडियम एक साल्ट है, ठीक है। टेल्यूराइट एक साल्ट है, जब आप ये अगार मीडिया में ऐड करेंगे तो नाम हो जाएगा टेल्यूराइट अगार मीडिया, ठीक है। तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा सेलेक्टिव मीडिया। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया? दूसरा टेल्यूराइट भी 8-10%, कितना? ये आप NaCl जोड़ दो, क्या जोड़ दो? NaCl, 8-10% की बात हो रही है। तो जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो सब मर जाएंगे या ग्रो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यही बैक्टीरिया इस मीडियम को एडॉप्ट कर पाएगा, सेलेक्टिव मीडिया। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? गुड। अब एक होता है मैकॉन्की मीडिया, कौन सा मीडिया बेटा? मैकॉन्की मीडिया, यहां लिख दूं मैकॉन्की, मैकॉन्कीस मीडिया। क्या है मैकॉन्कीस मीडिया?